स्ट्रेचर पर मैयत पड़ी है और फर्श पर दस्तरखान बिछा है। ये दुनिया है, ये यूं ही चलती रहेंगी। यहाँ कोई आपका इंतज़ार नहीं करेगा, तेरी तदफीन का भी नहीं। तेरे जाने पर कोई खाना नहीं छोड़ेगा, तेरे ना होने पर कोई जीना तर्क नहीं करेगा। लिहाजा अपने यहाँ अपने वहाँ के लिए अमल कीजिए। आपको क्या लगता है कि आपके मरने के बाद आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी औलाद, आपके बहन भाई कुरान पढ़ पढ़ के आपको बख्शवा लेंगे? ये औलादें आपके लिए कुरान पढ़ेंगी जो आज आपके कहने पर नमाज पढ़ने नहीं उठती? ये रिश्तेदार आपके लिए दुआ करेंगी जिनसे आपकी लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती? ये दोस्त आपके लिए फातिहा पढ़ेंगे जो आज दीन पे आने की वजह से आपका मजाक उड़ाते हैं? ये बहन भाई आपके लिए सदका खैरात करेंगे जो ईद के ईद मिलते हैं? ऐ गाफिल भोले इंसान, खुलूस के ज़माने गुजर गए हैं, क़यामत करीब है, ये अफरा तफरी का दौर है। यहाँ लोग जिंदों को भूले बैठे हैं, मरने के बाद तुझे कौन याद रखेगा? अपनी आखिरत की फिक्र खुद करें, अपने लिए कुरान खुद पढ़ें, यही अक्लमंदी है, और अपने हाथ से सदका खैरात करके रुखसत हों।